और अब बात करते हैं संसद का मॉनसून सत्र 11 अगस्त तक चलेगा सेशन में सरकार की ओर से 31 अहम बिल सदन में पेश किए जाएंगे। अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव की अगर बात करें तो इसलिए सत्ता पक्ष और विपक्ष अपने अपने हिसाब से संसद में अपनी ताकत दिखाएंगे। विपक्ष कई मुद्दों को लेकर हंगामा भी कर सकता है। मॉनसून सत्र में विपक्ष सरकार को मणिपुर हिंसा, यूसीसी समेत कई मसलों पर सदन में घेरने की कोशिश भी करेगा। विपक्ष इन दोनों मुद्दों पर सरकार के खिलाफ शुरू में हमलावर है और ऐसे में यह माना जा रहा है कि मॉनसून सेशन काफी हंगामेदार रह सकता है। संसद सत्र को लेकर समाजवादी पार्टी के सांसद रामगोपाल यादव ने कहा है कि सरकार सिर्फ बिल पास कराना चाहती है लेकिन मुद्दों पर चर्चा नहीं चाहती। महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा कराने को तैयार होगी तो संसद पूरी तरह से स्मूथली रन करेगी, बिल्कुल सही तरीके से। लेकिन हमें लगता नहीं कि गवर्नमेंट का मंशा कोई साफ हो। गवर्नमेंट किसी न किसी तरह से हंगामे में अपने बिल तो पास कराना चाहती है लेकिन किसी भी महत्वपूर्ण मुद्दे पर, चाहे वो मणिपुर हो, चाहे महंगाई हो, चाहे बेरोजगारी हो, चाहे जातिगत जनगणना हो, चाहे पिछड़ों और दलितों के आरक्षण को छीने जाने वाली प्रक्रिया हो, इस पर किसी पर चर्चा नहीं कराना चाहते। भारत चीन तक पर नहीं कराना चाहते जबकि चीन रोजाना हमारी सीमा में प्रवेश कर जाता है, कुछ जमीन पर कब्जा कर लेता है और हमारी सरकार क्लीन चिट दे रही है। हरदोई से खबर मिल रही है, मदरसों में घोटाले का खुलासा हुआ है। मदरसों में छात्रवृत्ति का घोटाला, 3,60,00,000 रुपए का घोटाला बताया जा रहा है। आपको बता दें चले कि स्टूडेंट्स की फर्जी संख्या दिखाकर घोटाला किया गया है। फर्जी संख्या दिखाकर छात्रवृत्ति घोटाला सामने आया है। आधार सत्यापन के दौरान ये पूरा खुलासा हुआ है। आधार अनिवार्य होने पर 10,000 संख्या कम हुई है। मदरसों में 90% से अधिक के स्टूडेंट्स का कोई ब्यौरा अभी तक नहीं मिल पाया है। तो 90% स्टूडेंट्स का कोई ब्यौरा नहीं मिल पाया है और बताया ये जा रहा है कि बड़ा घोटाला सामने आया है। इसमें बताया जा रहा है किस तरीके से मदरसों में घोटाले को लेकर ये बात सामने आई है कि मदरसों में छात्रवृत्ति का ये पूरा मामला सामने आया है। बताया ये जा रहा है कि 3,60,00,000 रुपए का ये पूरा घोटाला किया गया है। स्टूडेंट्स की फर्जी संख्या यहां पर दिखाई गई है, फर्जी संख्या दिखाकर छात्रवृत्ति घोटाला किया गया है। वहीं आधार सत्यापन के दौरान ये सारी बातें सामने निकल कर आई हैं। हालांकि अब ये भी बताया जा रहा है कि आधार अनिवार्य होने पर 10,000 संख्या जो है वो कम हो गई है। मदरसों में 90% से अधिक स्टूडेंट्स जो हैं, सोचिए एक बड़ी संख्या है, 90% स्टूडेंट्स जो हैं उनका अभी तक कोई ब्यौरा नहीं मिल पाया है। तो ये बड़ा घोटाला बताया जा रहा है। हरदोई से खबर सामने आई है। आशीष हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गया है। आशीष, एक बहुत बड़ा घोटाला है, 3,60,00,000 का घोटाला तो है ही, साथ ही स्टूडेंट्स की फर्जी संख्या दिखाई गई, छात्रवृत्ति में भी गड़बड़ी दिखाई गई और साथ ही साथ ये भी है कि मदरसों में 90% से अधिक स्टूडेंट्स का अभी तक कोई ब्यौरा नहीं मिल पाया है। जी देखिए, बिल्कुल आपको बता दें कि हरदोई में 141 मदरसे संचालित हैं और पिछले सत्र में इन मदरसों की 25,944 विद्यार्थी अध्ययनरत थे। मौजूदा शिक्षा सत्र में शासन ने स्पष्ट निर्देश दिए थे कि सभी विद्यार्थियों का ब्यौरा आधार से जोड़ दिया जाए। इसके पीछे कुछ वजह भी थी कि जो छात्रों की छात्रवृत्ति है वो सीधे खाते में जाए और जो भी लाभ शासन द्वारा हो वो इनको सीधे मिले, साथ ही छात्रों के ब्यौरों में फर्जीवाड़ा ना हो। लेकिन सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के चक्कर में कई बार विद्यार्थियों का पंजीकरण जो होता है मदरसों में फर्जी तरीके से कर दिया जाता है, या तो वो लोग उस वहाँ होते नहीं और किसी प्राइवेट संस्थान में पढ़ रहे होते हैं। फिलहाल आपको बता दें कि ये जो 10,185 विद्यार्थी इस उसमें गायब मिले हैं। और आपको ये भी बता दें कि जिस तरीके से ये फर्जीवाड़ा हुआ है तो उसमें जिलाधिकारी का कहना है कि जांच कर कार्यवाही की जाएगी। और आपको ये भी बता दें कि कई मदरसे ऐसे हैं, जैसे शाहबाद का है मदरसा एरा निकुचाई, उसमें तो 311 परीक्षार्थी थे जिसमें 289 परीक्षा जो विद्यार्थी हैं वो गायब मिले हैं। इस तरीके से 90% कई मदरसों में 90% जो विद्यार्थी हैं वो गायब मिले हैं। जी, और इस हिसाब से अगर जोड़ा जाए तो 300 बिल्कुल आशीष, और ये पूरा जांच का विषय है क्योंकि कई बातें सामने आई है। फर्जी संख्या दिखाकर छात्रवृत्ति घोटाला किया गया है और साथ ही साथ जब ये जांच होगा तो ही पता चल जाएगा कि किस किस लेवल पे यहाँ पर ये घोटाला किया गया और किसकी किसकी मिली भगत है। शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए।